My name is Nikhil Hako. I am studying in DCB since October 2018. All of the teachers are very good and they guide us very beautifully. The teachers give the exam very clearly. Thanks to DCB guide me to weigh my success. Okay, thank you. Thank you, DCB. Good evening, friends. My name is Rohit Singh. और मैंने रिसेंटली अपनी प्लस टू पास करी है. उसके बाद अब मैंने ईयर ड्रॉप लिया था. ईयर ड्रॉप में मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था जो कि मैंने डीसीजी एकेडमी से करी. एज सच मैं डिफेंस बैकग्राउंड से आता हूं, तो मेरे बचपन से ही चाइल्डहुड से मेरा ड्रीम था कि मैं आगे चल के डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करूँ एंड एज इन कमीशन ऑफिसर करूँ, तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा. तो इसलिए मैंने एनडीए की कोचिंग डीसीजी चंडीगढ़ ब्रांच से ली है. यहाँ पे जब मैं आया, फ्रेंड्स, जैसा कि 12th के बाद हर बच्चा जो 12th करने के बाद सोचता है कि उसे एनडीए एक बार क्लियर करनी है, तो वैसे भी मैंने ही सोचा था कि मैं एक बार एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहता हूँ. मैंने अप्रैल में ट्राई किया था 12th के बाद, लेकिन वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था. तो इस बार मेरे पापा ने बोला कि एक अच्छी सी कोचिंग ले लो और उसके बाद अच्छे से प्रिपेयर करो. तो मैंने डीसीजी के बारे में सुना, मेरे फ्रेंड्स से सुना, और फिर मैंने डीसीजी ज्वाइन करा. और डीसीजी ज्वाइन करने के बाद जब मैं इधर आया, तो यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनकी नॉलेज उनके सब्जेक्ट के बारे में बहुत वास्ट थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प हुई. उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए जिससे मैं अपने क्वेश्चंस बहुत इजीली और बहुत आसानी से कर पाया. और इधर के डाउट सेशन वो भी काफ़ी अच्छे थे. मतलब आपको अगर कोई भी किसी चीज़ में डाउट है तो आप उनसे जा किसी भी समय जाके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और इनके टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे थे. और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे बुकलेट है, जो डीसीजी की बुकलेट थी वो काफ़ी अच्छी थी. उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते थे. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए हुए थे जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करके आप कॉन्फिडेंस अपने आप को बूस्ट कर सकते थे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज थे वहाँ पे मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, जिससे मुझे बहुत अच्छा मोरल बूस्ट हुआ मेरा कि मैं एग्जाम में जाके अच्छा कर सकता हूँ. तो मैं एग्जाम में गया और मैं क्वालिफाई कर पाया, अपना एग्जामिनेशन में कर लिया. और मेरा जो डिसीजन था डीसीजी ज्वाइन करने का, आई एम ग्लैड कि वो सही था. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपना एग्जामिनेशन क्लियर किया. थैंक यू. ब्रजेश, ये इज पार्ट ऑफ आवर डीसीजी फैमिली एंड रिसेंटली ही हैज क्लियर्ड हिज रिटन एंड इंटरव्यू फॉर एनडीए एग्जामिनेशन एंड नाउ ही इज रिकमेंडेड as a lieutenant in India. So, Brijesh, कैसा लग रहा है? Sir, of course, proud feeling है मेरे लिए. मेरा बचपन से I dreamt of being all in uniform when I was in Indian Army, my proud officer की तरह join करूँ. And this has helped me a lot in achieving my that dream. So, क्या थोड़ा सा ये बताएंगे कि DCG ने आपके सपने को कैसे achieve करने में help की, so that हम बाकी students को भी यही चीज बता सकें? तो बेसिकली डीसीजी ने मुझे एक इंडिविजुअल से एक ग्रुप मेंबर बनना सिखाया एंड द स्पेशलाइज्ड क्लासेस गिवन बाय द टीचर्स इन डीसीजी वाज आल्सो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. उन्होंने हमें टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एसएसपी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी. उन्होंने कुछ यूजफुल स्किल्स, टैक्टिक्स और ट्रिक्स बताए जिसने हमें डेफिनेटली हेल्प किया एसएसपी में एक रैंक लाने के लिए. एंड आई होप कि मैं मेडलिस्ट भी क्लियर करके कर लूँ. आपने स्पेशलाइज ट्रेनिंग की बात की. यस सर. स्पेशलाइज ट्रेनिंग में आपको जो डीसीजी में है किस तरीके से एक एज प्रोवाइड की सो दैट आप सिलेक्शन कर सकें? सर, बेसिकली हमारी जो कोचिंग थी इट वॉज डिवाइडेड इन टू पार्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड ग्राउंड टास्क. तो इन साइकोलॉजिकल टेस्ट देयर वर फोर टेस्ट एंड टीचर्स गेव मी अ फुल डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट फोर टेस्ट. एंड हमें उसको हैंडल करने के लिए टाइम मैनेजमेंट जो सीखना था, उन्होंने रेगुलर प्रैक्टिस और पर्सिस्टेंट एफर्ट्स के कारण हम वो टाइम मैनेजमेंट सीख पाए. और हमें यूजफुल स्किल्स और टैक्टिक्स भी पता थे जिससे हम लोग ट्रिक क्वेश्चंस भी हैंडल करके उन्हें कम टाइम में कर सके. और द ग्राउंड द बेसिकली इन ग्राउंड टास्क द पीजीटी टास्क इज द टफेस्ट विच इज कंसिडर्ड बाय द एनडीए कैडेट्स. लेकिन हमारे लिए जो टीचर्स ने हमें ट्रिक्स बताई और प्लान्स बताए and the new innovative ideas that they gave was very helpful in tackling that obstacles in PGT task. So, and I was lucky to get an opportunity to implement a third level idea in my SSB only that gave me an edge over other children and I was successful in clearing my SSB. So, DCG ne aapko briefly achieve karne ka yes, definitely.
डीसीजी से पहले क्या आपको ऐसा था कि या बेसिकली ज्वाइन करते हुए क्या आपको था कि क्या मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ या नहीं? सर डेफिनेटली एक बिलीव था मन में कि यस मैं कर सकता हूँ, लेकिन इस बिलीव को साकार करने के लिए और ट्रुथ बनाने के लिए डीसीजी ने एक बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में, एंड आई विल नेवर फॉरगेट द हेल्प प्रोवाइडेड थ्रू डीसीजी इन माय करियर गाइडेंस। ठीक है, एक लास्ट सवाल। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि आपके कदमों पर अब एक जिम्मेदारी है कंट्री के लिए, तो आप एक लेफ्टिनेंट हैं, तो आप क्या बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं सो दैट वो अपने सपने को साकार कर सकें? बेसिकली बच्चों को सिर्फ डिटर्मिनेशन चाहिए और एक बिलीव चाहिए कि यस आई कैन डू दैट विच आई ड्रीम ऑफ। और हमें इंडिविजुअल से ज़्यादा आर्मी में एक ग्रुप मेंबर की तरह काम करना पड़ता है, इसलिए जहाँ तक हम एक ग्रुप मेंबर बनेंगे वो हमारे लिए एक एडवांटेज ही रहेगा। हमें कंपटीशन में नहीं जाना है, हमें कोऑपरेशन में जाना है। बस मेरी यही सलाह रहेगी सारे बच्चों। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।